सब्सक्राइब करें मेटास क्लब को, क्लिक करें बेल आइकन को ताकि बिजनेस के न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। हम में से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं क्योंकि उनके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होती है, मार्जिन लेवल बहुत ज्यादा होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए हाई प्रॉफिटेबिलिटी होना ही काफी नहीं है, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। आज हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस का एक्सपेंशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी नेटवर्क, मास्टर फ्रेंचाइजी नेटवर्क, डीलरशिप नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क, सुपर स्टॉकिस्ट एंड C&F। इसके अलावा बिजनेस का एक्सपेंशन ज्वाइंट वेंचर और एंजल इन्वेस्टर के माध्यम से भी किया जा सकता है। लेकिन किसी भी सिस्टम से बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस प्रपोजल या बिजनेस प्लान होना जरूरी है। किसी भी बिजनेस प्रपोजल को डिजाइन करने के लिए बिजनेस प्रपोजल के 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं और बिजनेस के 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कंपनी का प्रोफाइल, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली सपोर्ट एंड सर्विसेज। और यदि हम इन सभी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर पाए तो कंपनी का बेहतर बिजनेस प्रपोजल तैयार होता है। अगर मैं किसी भी इन्वेस्टर के साथ अपनी कंपनी का फ्रेंचाइजी प्रपोजल शेयर करता हूं या कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, उस कंपनी की पूरी एक्सप्लेनेशन कि कंपनी का नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से हम अपने विजन को अचीव करेंगे। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी तरह से इन्वेस्टर के रूप में काम करता है तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मतलब उस राज्य में उसे काम करने के लिए कितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब यदि एक इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो उसका अगला सवाल होता है कि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, मतलब पर मंथ उस कंपनी के उस यूनिट को, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उस जोन में चलाने के लिए कितने रुपए पर मंथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में खर्च करने होंगे। एंड द ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्टैंड्स फॉर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्रॉफिटेबिलिटी, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंड्स फॉर उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद कितने समय में वो अपना प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देगा, कितने समय बाद उसकी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, मतलब कितने महीने का समय उसको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने में लगेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेयर करने के बाद ही कोई व्यक्ति हाई प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन कमा सकता है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने नंबर ऑफ मंथ और कितने नंबर ऑफ इयर्स में रिकवर होती है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। यदि हम इन्वेस्टर के रूप में किसी व्यक्ति से पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराते हैं, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, चाहे वो डीलर हो और चाहे वो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टर हो, कौन कौन सी सपोर्ट और सर्विसेज हम कंपनी की तरफ से उस जोन, उस स्टेट और उस कंट्री में बिजनेस को सरवाइव करने के लिए प्रोवाइड करेंगे, लाइक एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट। इन 5 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को इकट्ठा करने के बाद जो प्रपोजल तैयार होता है उसी के बिहाफ पर एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है। फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग YouTube पर अपने आप को बिजनेस ट्रेनर बोलते हैं, वो लोगों को बिजनेस के लिए मोटिवेट तो कर सकते हैं लेकिन बिजनेस की सही जानकारी नहीं दे पाते, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी बिजनेस किया है और ना ही बिजनेस की बारीकियों को वो जानते हैं। कई लोगों ने मेरी टीम से कांटेक्ट किया और कहा कि सर, हमने इस बिजनेस ट्रेनर को सुना, हम मोटिवेट तो हो गए कि हमें करना क्या है लेकिन करना कैसे है इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। तो उन्हीं लोगों की परेशानियों को समझते हुए हमने डेवलप किया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है ROPE, रिजल्ट ओरिएंटेड
प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर, जिसमें आप सीखेंगे व्यापार से संबंधित छोटी छोटी बारीकी, व्यापार की समस्याएं व उनका समाधान, एंड हाउ टू डू बिजनेस इन रिसेशन एंड कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, मैं बिजनेस में केवल वही इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं जो प्रैक्टिकली अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करता हूं। एक छोटी सी फर्म से लेकर एक लिमिटेड कंपनी के सफर को तय करने में मैंने जितना अनुभव प्राप्त किया है वही आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप भी एक छोटी सी फर्म से एक लिमिटेड कंपनी तक का सफर तय करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, आप लोगों की हेल्प के लिए मेटास क्लब के बिजनेस चैनल पे हमने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो शेयर की है। आप ये लाइब्रेरी देखें, जो वीडियो आपको पसंद आता है उससे सीखें, समझें और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। मेटास क्लब का उद्देश्य है हर घर से एक बेहतरीन और कामयाब बिजनेसमैन बनाना, ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में अपना परचम लहरा पाए। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में अपना परचम लहराए तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर घर से एक बेहतरीन बिजनेसमैन तैयार हो सके। तो आओ मिलकर संकल्प लें भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने का। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार अपने वीडियो में इनवाइट करते हैं अपने उन सब्सक्राइबर को जिनका कमेंट हमें पसंद आता है, तो आज मेरे साथ में अशित भटनागर जी जो कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से हैं। अशित जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अशित जी, हम लोगों का एक सेगमेंट है, जो भी सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं हम उन्हें अपने चैनल पर इनवाइट करके उनका एक गेस्ट ऑफ ऑनर करते हैं। तो आज की इस सीरीज़ में मैं आपका गेस्ट ऑफ ऑनर करना चाहता हूं, ताकि हमेशा आपको याद रहे कि मैं मेटास क्लब के चैनल पर आया था। तो मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल की तरफ से ये गेस्ट ऑफ ऑनर आपके लिए। थैंक यू सर। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ सब्सक्राइब करके और देखने से कुछ नहीं होगा, उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अमित सर का थैंक्स करना चाहूँगा कि इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे वीडियोज़ उन्होंने लोगों को दिखाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बांटा। तो मैं चाहूँगा कि वो ऐसे वीडियोस बनाते रहें और हम देखते रहें और लोग भी हमारे साथ जुड़ें।